हजरात, जैसा कि मेरे इल्म में आया है कि हुसैनी आसिफुद्दौला बड़े मामबाड़े में जिस तरीके से बाहर के हिस्से में जो ऊपर से तेज़ बारिश में जो मुनद्दिम हुई है दीवार और उसके ऊपर जो सब कंगूरे बने हुए थे वो सब गिरे हैं, उसकी मैं भरपूर तरीके से मैं जिला प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि फौरन बड़े इमामबाड़े में काम लगवाएं, क्योंकि ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये सब इमारतें आती हैं ASI में, उसके अंदर बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, शाह नजफ है, रोज़ा काजमैन है, गार वाली करबला है, पिक्चर गैलरी है और शाह नजफ है और जो जो इमारतें हैं वो सब ASI के अंडर में आती हैं। मगर ASI के अंडर में जितनी भी इमारतें आती हैं सब की ज़्यादा हालत है। अभी मैंने रोज़ा शाह नजफ के लिए आवाज़ उठाई और रोज़ा शाह नजफ में काम करवाया, फिर उसके बाद रोज़ा काजमैन के लिए आवाज़ उठाई, पूरा दबाव बनाया, रोज़ा काजमैन में काम हुआ। सिप्तनाबाद के इमामबाड़े में जनाब मोहम्मद हैदर साहब ने खड़े होकर वहाँ के ऊपर गेट की तामीर का काम कराया, एक तारीखी काम हुआ। बड़े इमामबाड़े के अंदर जिस तरीके से वहाँ के ऊपर इमामबाड़े की ज़्यादा हालत है और इमामबाड़े के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया आ रहा है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस हमारे तारीखी इमारत के अंदर कोई पैसा लग नहीं रहा है। लिहाजा बहुत जल्द मैं इस सिलसिले में ASI के जिम्मेदारान से और ज़िला प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DM लखनऊ जो चेयरमैन है हुसैनाबाद ट्रस्ट के, उनसे मुलाकात करूँगा और अगर से ये हालात बेहतर नहीं हुए तो आगे का लाया अमल बाद में मुरतब किया जाए।